चार पांच बुराइयां सुनने के बाद हम चिल्ला जाते, फिर आप उसी इंसान को चुप कराने का प्रभाव जारी करके जब भी वो इंसान आपकी तारीफ करने वाला ही होता है। आपकी शक्ति का ये है कि आप बहुत जल्दी यकीन करके आगे सुन रहे। ओ जीजा जी, बहुत बकवास कर लिया आपने, अब एक और शब्द नहीं। शब्द नहीं और वरना ना इस चांदनी चौक पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, बता रही हूँ मैं। चुप। ये छोटे देखा छोटे भगो। अरे पंचम, ये पंचम रुक, सुन तो भगो। आई लव यू लाइसी जी। भगो 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 लाइसी जी, आई लव यू। फिर बाद में तुम्हें बोलनी चाहिए ना पैसा वाला। अरे लिफ्ट ही रहेगा या वाले चल पैसा देख कब उड़ गया वाले तू है ऐसी बात ना बोल तू बोलो। अच्छा फिर क्या हुआ नाना? मुझे एक चीज लग रही है उसमें सुना दे। सूझी ना रहा तो मैं क्या सुना? काम तो कर रहा हूँ ना। सूझ ना रहा? हाँ।
अब सू जाएगा क्या? सामने जितने का दराज है ना, है ये जो दराज है इसे खोल। क्यों क्यों क्या मैं कह रहा हूं ना, इसे खोल तो देख तो पहले जाकर। तेरी यही गंदी आदत है, बस पूरी बात ना सुनी, खुल गई का हाथ डाल उसके अंदर, देख उसमें कुछ है, देख तो क्या है क्या। ए बैठ बैठ मत कर यार, देख तो क्या है, देख तो कुछ रखा है, देख पैसे किसने रख दिए? तेरे एक ऐसे दोस्त ने जो तुझे बहुत प्यार करता है और तुझे अपना छोटा भाई मानता है, हम बोल रहे हैं जी, क्या हो गया, आप इसे रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं,
ना जाने आपने कितनी बार मुझे आई लव यू बोला है। ऐसी जी हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें सच में नहीं पता था हम क्या कर रहे थे क्या कह रहे थे। अब जो चाहे सजा दे सकती हैं हमें, हम हुक तक नहीं करेंगे, हम तैयार हैं, आप बस हुक्म कीजिए। हाँ जी तो फिर ठीक है, आपकी सजा ये है कि आपको 5 बार मुझे आई लव यू बोलना पड़ेगा। हैं जी ये क्या बोल रही हैं आप? हम नहीं, आपको बोलना पड़ेगा बताओ। जी आप प्लीज रोइए मत, प्लीज हम करते हैं कुछ, मतलब कोशिश। हाय लव इंडिया। कोई बात नहीं, जितना भागना है भाग, लेकिन एक तो बिना ट्रुथ सिरम के ना इस सच को बाकी रहोगे। बाकी लग रहे हैं बोले तो बोलते हैं क्या है? लव माय इंडिया, I love my India, सीधा बोल के भाग जा। वो सब पंचम जो है बहुत एकदम परेशान है, हम उन्हें मना रही है। मैं मना नहीं रही हूँ एक्चुअली, मैं फिर से उनके मज़े ले रही हूँ। और एक्चुअली वो उन्होंने मुझे इतनी बार आई लव यू बोल दिया जब उन्हें ट्रुथ सिरम इंजेक्ट हुआ था उनके शरीर में, तो उन्होंने मुझे बहुत बार आई लव यू बोला है एंड आई वॉज प्लीज्ड। और अब जब नशा उतर गया है उन्होंने सच के बारे में पता चलता है कि उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं बोला है, तो बहुत हेजिटेट कर रहे हैं, बहुत परेशान है। एंड देन ऑब्वियसली इलायची समवन हु वुड ऑलवेज अनॉय हिम, तो इलायची वापस से उन्हें बोलती है कि आप मुझे, मैं तभी आपको माफ़ करूँगी जब मुझे आई लव यू बोलेंगे वापस से। और जीजा जी तो आप जानते हैं कितने शर्मीले हैं, ऑब्वियसली नहीं बोल पाते ना, लाइक कभी ना कभी तो बोलेंगे बस उसी आस में। ओके तो ये आइडिया कहाँ से आया इंजेक्ट करने का? आइडिया मेरा नहीं था, ये बस एक्सीडेंट हो गया एक एंड इट जस्ट हैपन एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तो व्यूअर्स अभी देख सकते, थोड़ा रोमांस कॉमेडी तो चली रही थी यहाँ पर, अब थोड़ा सा रोमांस देखने को मिल सकता है। हाँ थोड़ा बहुत रोमांस आई थिंक हमेशा से चलता रहता है, छोरी छोपे कर ही लेते हैं रोमांस। और कॉमेडी तो ऑब्वियसली है, एंटरटेनमेंट तो बहुत सारा ही है एंड आई होप यू लाइक द शो। सो कीप वॉचिंग जीजा जी छत पर है 9:30 PM मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन सब टीवी। थैंक यू तेरे दोस्त ने जो तुझे बहुत प्यार करता है। डरा दिया, पता नहीं अनजाने में हमने LIC जी से क्या क्या बोल दिया।
बोल तो दिया लेकिन फिर कैसे मांगे, तो किस मुंह से मांगे यार। जी